हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111 111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं, सब हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आप सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। ओके, और आपके रिश्ते को लेकर, तो आप सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी सिचुएशन में आप हैं, आप सभी के लिए रीडिंग्स होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। ओके, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल। वाओ, ओके। सो गाइस, ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, तो आप सभी से देख सकते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं पास्ट में ये आपसे भागने की कोशिश इस पर्सन ने की थी। ओके, आपसे दूर जाने की, आपको इग्नोर करने की, या फिर पीछा छुड़ाने की, या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी ऐसी लगती थी जब आपके साथ रहते थे कि इनको ऐसा लगता था कि इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, या फिर ये कैसे संभालेंगे, कैसे कनेक्शन को चलाएंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इनकंसिस्टेंट ये इंसान जो थे वो थे, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं थे, फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे आपके कनेक्शन को लेकर। सो पास्ट की एनर्जी इनकी इस तरीके से थी, इमेच्योर वाली। यहाँ पर मुझे चीटिंग की एनर्जीज नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी ना किसी रीज़न से, इनको ऐसा लगता था कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ संभालना पड़ेगा, कैसे संभालेंगे। तो ये क्या करते थे कि कभी आते थे कभी जाते थे। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि एकदम से सेपरेशन हो गया और इस पर्सन का कोई अता पता नहीं है। इस पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आते ही होंगे, कभी कभी बात करने, कभी मिलने, कभी कुछ। ओके, सो अभी मुझे देखिए एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि ये जो भी कर रहे थे, आना जाना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आना, फिर आपको कमिटमेंट ना देना, या फिर आपके साथ चीज़ों को एक सीरियस लेवल पर कंटिन्यू ना रखना, जब मन बात किया, जब मन नहीं किया, जब मन अच्छे तरीके से पेश आया, जब मन इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो अब इस पर्सन को एक पछतावा यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा है। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ कप्स, यही चीज़ दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो कर्म किए हैं आप दोनों के रिश्ते में, जो एक्शंस इन्होंने लिए हैं पास्ट में, जो हर्ट इन्होंने आपको किया है वो सरासर गलत किया उन्होंने। ओके, और अगर किसी रीज़न से भी आपसे दूर हो गए थे, या फिर कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए, तब भी मुझे दिख रहा है कि इनको एक रियलाइजेशन है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डेस्टिनी के अगेंस्ट जाकर चीज़ें कर दी, या फिर जो चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए थी वो इन्होंने आपके साथ कर दी है। और अभी ये इंसान न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपने दिल की फीलिंग्स को सिर्फ बताना ही नहीं, बल्कि उस चीज़ में एफर्ट्स डालकर उस चीज़ को कुछ अच्छा बनाना भी चाहिए। सो मुझे दिखता है कि इस पर्सन के अंदर दिल में जेन्युइन फीलिंग्स है, बट ये इंसान थोड़े से इमेच्योर है, जहाँ पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डर लगता है। ओके, हो सकता है कि इनकी आदत ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की, या फिर इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि इनको सिखाया नहीं गया है, तो हर एक चीज़ में ये डरते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बस आपको लेकर ही इनको डर आता है, नहीं, इनको जब भी किसी के साथ भी अगर कमिटमेंट का हो या शादी वगैरह का हो, तो इनको एक फोबिया है मन में, ठीक है, इनको डर लगता है कि कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी इनको मुझे दिखता है कि इनको हाथों हाथ या तो चीज़ें मिल जाती हैं, इनके फैमिली हो सकते हैं कि इनके प्रोवाइडर होते हैं, या फिर ये इंसान जो है ना, मतलब उतना टेंशन नहीं लेते, लाइफ को बस कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस काइंड ऑफ इंसान ये इंसान है नहीं। ओके, अगर है भी तो अपने करियर में होंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में एज सच नहीं है। सो अभी मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी उनके कर्म थे, जो भी उन्होंने एक्शंस लिए, अगर उन्होंने कभी आपको हर्ट भी किया, चीट भी किया, तब भी मुझे दिख रहा है कि इनको करेंटली पछतावा हो रहा है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। एक बदलाव के लिए इंसान वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान अब न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं, ये इंसान अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए रेडी हैं। पहले ये इंसान डरते थे, लेकिन अब इस पर्सन के मन में वो डर नहीं है, जहाँ तक मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन के मन में अब डर नहीं है कि ये करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, लेकिन पहले ये डर थी। ओके, द आउटसाइडर,
ये इंसान अपने आप को केजेड महसूस करते हैं जब भी इनको ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। या तो ये आपसे बहुत दूर रहते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर ये इंसान किसी न किसी चीज़ पर स्टक हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर में हो, या किसी मैरिज में भी हो सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड है इंसान कहीं और, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ जो आने का सोचते हैं तब इनको ऐसा लगता है कि बैरियर्स बन चुके हैं और ये कैसे उस चीज़ को छोड़कर जाएंगे, और दूर दूर से देखते हैं, दूर दूर से सोचते हैं, ओके, और एक होप में रहते हैं। लेकिन मुझे दिखता है कि ये इंसान ट्राई करना चाहते हैं कि ये सिचुएशन से निकले, नो मैटर अगर फिजिकल डिस्टेंस है या कोई इशू है, तो जो भी है मुझे दिख रहा है कि इस बैरियर को ये इंसान हटाना चाह रहे हैं करंटली, स्ट्रेस। देखिए कुछ स्टेगनेंसी ये इंसान फेस कर रहे हैं, ओके, और इनको हमेशा ऐसा फील हो रहा है कि जब भी आपके तरफ आने का ट्राई करते हैं कोई ना कोई दिक्कतें बीच में आ जाती है जो आप दोनों को एक होने से रोक लेती है, ओके। मुझे करेंटली भी यही एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन आपके तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन फेलियर का सामना नहीं करना चाहते, लाइक रिजेक्शन का सामना हो, या फिर से कोई लड़ाई झगड़ा हो, या फिर ये एक्सप्लेनेशंस नहीं देना चाहते चीज़ों का, ओके। मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आना तो आपके तरफ चाहते हैं बट इनको मन में एक घबराहट है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ यूनियन में आने में या फिर आपके साथ कुछ चीज़ों को करने में इनको बहुत मेहनत लग जाएगी, ओके। और स्ट्रेसफुल की एनर्जी भी है यहाँ पर जहाँ पर इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने जैसा भी किया कहीं ना कहीं ठीक नहीं किया, चाहे वो छोटी सी बात को लेकर हर्ट हो, झगड़ा हो, या आपसे दूर जाना हो, या कुछ भी हो, ओके। मोमेंट टू मोमेंट डेफिनेटली आपकी तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं। करेंटली भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान कभी आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोचते हैं फिर करते नहीं हैं, कॉल करने के बारे में सोचते हैं या कर ही लेते हैं लेकिन कट कर देते हैं, या मिलने के बारे में प्लानिंग करते हैं फिर ये जो है ना डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं करते हैं, छोड़ो अभी रहने देते हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है क्लियरली, ओके। उनको वो चीज़ भी कहीं ना कहीं एंशियस बना रही है कि आप कहाँ हो, कहाँ बिजी हो, किधर हो आप, हो सकता है कि आप बिजी हो लाइफ में, ओके। पास्ट लाइफ इंटेंसिटी डेफिनेटली आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पुल फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड सा ये इंसान महसूस कर रहे हैं, और ये इंसान फील कर रहे हैं कि आपको जाने नहीं दे सकते अपनी ज़िंदगी से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ इनर रियलाइजेशन इस पर्सन को डेफिनेटली हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हुआ है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पुल इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, आपकी मेमोरीज इनको बार बार याद कर रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ इनको बार बार आपकी याद दिला रही है, कोई सॉन्ग हो, आपका चेहरा हो, या कोई भी मेमोरीज आप दोनों के बीच में हुई हो, बार बार आप इनकी आंखों के सामने आ रहे हैं, और एक कुछ ना कुछ एक खिंचाव तो ये महसूस कर रहे हैं, हालांकि रेजिस्ट करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है करेंटली रेजिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान एफर्ट्स तो डालना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि बस सब ठीक हो जाए, बट कुछ झगड़ा वगैरह ना हो, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं और भी कार्ड्स। हमारे पास है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो ये इंसान डेफिनेटली हीलिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप आ जाए फिर से आप लोग जो है अच्छी तरीके से क्लोज आ जाओ एक दूसरे के प्रति, और आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो हील हो जाए, एक नई बिगनिंग हो, नई तरीके से शुरू हो, जहाँ पर आप दोनों को ब्लॉकेजेस या फिर दूरियों का सामना ना करना पड़े। सो लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे मिलकर आपके साथ रहना चाह रहे हैं, इनके मन में वो एक चाहत बहुत ज़्यादा इनके मन में आजकल आ रही है कि इनको आपसे मिलना है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ये चैनल मैसेजेस हैं। I still listen to your dedicated songs and smile like an idiot. I never feel that things have ever changed between us. Definitely, आपने अगर इनको कोई सॉन्ग वगैरह दिया हुआ है, इनको वो याद कर रहे हैं, ओके, और हो सकता है कॉलर ट्यून्स वगैरह हैं तो उस चीज़ को ये याद कर रहे हैं, ओके, या से कोई मेमोरी जो म्यूज़िक या सॉन्ग से रिलेटेड है तो उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। डू यू इवन केयर अबाउट माई एग्जिस्टेंस? तो देखिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल गायब हैं, पूरे लाइफ इनके लाइफ से ही आप गायब हैं, आपका कोई अता पता नहीं है। हो सकता है आपने पूरी तरीके से अपनी एनर्जी ले ली है इस पर्सन से, आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं और आप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े से टेंस्ड हैं उस चीज़ को लेकर। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप? डेफिनेटली मैच्योरिटी थोड़ी बहुत है इनके मन में, ये चाहते हैं कि
धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़े, बहुत क्विकली ये कुछ करना नहीं चाहते बट चाहते आपको खोना भी नहीं चाहते, ओके ऐसी एनर्जीज हैं। तो भले ही ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट ये आपको खोने या आपको जाने नहीं देना चाहते। आई हैव ट्राई टू मूव ऑन सेवरल टाइम्स, आई हैव ट्राई टू फॉरगेट यू बट आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट फॉरगेट माई सेल्फ। डेफिनेटली जब भी आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं तभी मुझे नज़र आ रहा है कि इनका तो फील होता है कि ये अपने आप को आपके अंदर देख पा रहे हैं और ये आपको भूल नहीं पाते हैं बेसिकली। मुझे एनर्जीज बहुत क्लियरली आ रही है। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। I love you because your soul is the perfect companion for my soul. That is why you are the only companion that I want to walk through life with. देखिए no matter कितना झगड़ा हुआ है, no matter आप दोनों ने कितना एक दूसरे को जज किया है, कुछ भी hatred है, कुछ भी है, still then आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए best companion है और आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझते हैं कि दूसरा कोई और समझ नहीं पाएगा, चाहे कितने भी कंपैटिबिलिटी कम हो या कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों सोल टू सोल कनेक्ट कर पाते हैं। और इस पर्सन वही चीज़ याद कर रहे हैं कि भले ही ये कितने भी दोस्त बनाएं, भले ही ये किसी और को डेट करने के लिए चले जाएं, लेकिन आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल सकता जो इनको सोल लेवल पर जानता हो, सोल लेवल पर समझता हो। ओके तो डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं आपसे और करंटली उसी बारे में सोच रहे हैं कि बस ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते, लेकिन इनको थोड़ी सी घबराहट है कि अगर आप चले गए तो क्या होगा। करंटली I love you because you always make time for me no matter how busy or crazy life can get, you always have time for our relationship. देखिए अभी इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, अगर आपने इस पर्सन को बहुत चेस किया था, बहुत टाइम दिया था, आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को अब समझ आ रहा है कि आप कितने लाइफ में बिजी थे, आपके भी कितने सारे काम थे, लेकिन फिर भी आपने हमेशा इस पर्सन को इंपॉर्टेंस दी, इनसे बात करी, जितने बार ये आपसे बात करने के लिए आए आपने हमेशा इनको मौका दिया, लेकिन तब उस पर्सन हो सकते इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब इस बात को ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब आप हो सकते हैं कि दूर है या बातचीत कम हो चुकी है, आप नहीं बात कर रहे, आप नहीं जा रहे हैं, तब इस पर्सन को अभी करंटली उसी बारे में समझ आ रहा है कि आपने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, आपने कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया था और आपने कितने एफर्ट्स डाले थे, जो हो सकता है कि इन्होंने समझा ही नहीं उस वक्त जिस वक्त इनको समझने की जरूरत थी। सो गाइस ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।